नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दो सप्ताह में हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज सरकार की एनफोर्स डायरेक्टिव्स की एक संस्था बन गई है। ईडी हैड बिकम एनफोर्स डायरेक्टिव्स फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट। और हम पूछना चाहेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि आपके एनफोर्स डायरेक्टिव्स जो आपको मिलते हैं मोदी सरकार से, हम पूछना चाहेंगे सरकार से भी कि कुछ मामलों में आपकी इतनी लंबी और इतनी गहरी चुप्पी क्यों है? कौन लोग हैं सरकार में जो आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं? साथियों, पिछले 8 साल में हमने देखा कि भारत सरकार के जो भी झूठे भ्रामक क्लेम्स थे वो एक एक करके ढहते रहे। टॉल एंड फॉल्स क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट एक एक करके गिरते रहे। पिछले 2 सप्ताह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे तक की ईडी ने पूछताछ की, पर दो मामले आपको बहुत बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखूंगा, वहां पे ईडी चुप है। हम पूछना चाहते हैं उन मामलों में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पहला मामला आता है, ये मैं भी नहीं कह रहा, सरकार भी नहीं कह रही, देश का कोई एजेंसी नहीं कह रही, पर श्रीलंका की स्टेट ओन्ड, श्रीलंका की सरकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका नाम है सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन जो उनकी बिजली आपूर्ति करती है श्रीलंका में, उसके चेयरमैन वहां की संसद के सामने खड़े होके, कोई छोटी मोटी जगह भी नहीं, श्रीलंका की संसद के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति श्री राजपक्षा, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रेशर डाला। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका बिजली विभाग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मोदी जी ने श्रीलंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपति के मार्फत कि विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीलंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। मैंने भी नहीं कहा, ये उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने हैं? क्या हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए? क्या ईडी और अदर एजेंसीज ने इस पे जांच करना उपयुक्त नहीं समझा? वहां पे इतनी खामोशी क्यों रखी गई? अरे हम तो 54 घंटे की जांच करके भी आ गए और आगे भी हर अग्नि परीक्षा दे देंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। पर वो लोग जिनका नाम श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चेयरमैन पार्लियामेंट के सामने कहते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डाल रहे हैं श्रीलंका की सरकार पे कि विंड पावर का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए, क्या उनके ऊपर ईडी की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि आज सरकार की एनफोर्सिंग डायरेक्टिव्स बन चुकी है, क्या उन्होंने इस पे संज्ञान लेके मोदी जी को सम्मन दिया? क्या इसकी जांच की कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि श्रीलंका का बिजली बोर्ड का चेयरमैन खुलेआम अपनी संसद में बोलते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डालते हैं उनके राष्ट्रपति पर कि विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए?
क्या इस बात में इस बात का संज्ञान ईडी ने लिया? इतना सन्नाटा उनमें इस बात के लिए क्यों रह गया? कौन उनको रोक रहा था? ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट भी लाया हूं और दो ही पॉइंट की बात करूंगा। जैसे ही 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, उस 2014 में सत्ता संभालते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट एमओयू बनाया और उस ड्राफ्ट एमओयू के तहत $1 बिलियन अर्थात 7,825 करोड़ रुपया, उस एमओयू के तहत स्टेट बैंक ने और दुनिया के सारे बैंकों ने एक कंसोर्शियम बना के अडानी को फंडिंग देने का सोचा। और ये कहां पे फंडिंग दे रहे थे अडानी को? ऑस्ट्रेलिया में माइंस के लिए। जब इसका विरोध देश में हुआ, जब इसका विरोध ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो इस एमओयू को निरस्त कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पश्चात 2020 में पुनः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ का फंडिंग का प्रपोजल अडानी कैमिरचेल कोल प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, जब इसका भी वहां पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने विरोध किया, जब इसका भी वहां पे इन्वेस्टर्स लाइक एमुंडी और एक्सा ने विरोध किया, तो स्टेट बैंक ने इसको भी गॉट स्टक। अभी इसका क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। सत्ता संभालते ही 7,825 करोड़ का $1 बिलियन का फंडिंग अडानी को ऑस्ट्रेलिया के माइंस में देने का निर्णय किया, एमओयू बनाया स्टेट बैंक ने, विरोध हुआ तो उस एमओयू को वहीं रोक दिया। 2020 में पुनः ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइंस के लिए 5,000 करोड़ की फंडिंग का निर्णय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। जब इसका विरोध वहां के इन्वेस्टर्स करते हैं तो वो डील स्टक हो जाती है। अभी इस डील की क्या स्थिति है हमें नहीं पता। हमारा सवाल है, क्या ईडी ने कभी अडानी को बुला के पूछा कि आप किससे प्रेशर डलवा रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए? क्या ईडी ने स्टेट बैंक के को बुला के पूछा कि वित्त मंत्रालय में बैठे कौन से मंत्री आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अडानी को लोन दो? और ऐसे और भी कई किस्से हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, 5-6 इश्यूज आपको जस्ट पासिंग रिमार्क कर रहा हूं। क्या ईडी ने कभी ईश्वरप्पा को बुला के पूछा कि ये 40% कमीशन जो कर्नाटक सरकार, ये मैं नहीं कह रहा, वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने प्रेस वार्ता करके बोला, क्या ईडी ने बोमई साहब को बुला के पूछा कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कि आपके ऊपर चार्ज है कि आप जो भी काम करते हो उस पर 40% कमीशन लेते हो? क्या वहां पे ईडी ने पूछताछ की? क्या ईडी ने कभी बुला के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछा कि व्यापम के घोटाले के दोषी कौन कौन है? क्या ईडी ने कभी गुजरात के मुख्यमंत्री को बुला के पूछा कि कांडला बंदरगाह पे 260 किलो ड्रग कांडला जो ये बंदरगाह है वहां पे कैसे मिली, वो उसका क्या सोर्स था? क्या ईडी ने कभी हेमंत बिश्व शर्मा को बुला के पूछा कि ये पीपीई किट का घोटाला कैसे हुआ? क्या ईडी ने गोवा सरकार को बुला के पूछा जब सत्यपाल मलिक ने स्वयं, जो कि गोवा के गवर्नर थे, कहा पब्लिकली कि गोवा सरकार जो भी करती है इस धरती के नीचे उसमें करप्शन है? इतना सन्नाटा वहां ईडी को क्यों आ जाता है? ऐसा उनके ऊपर क्या दबाव है? हम पूछना चाहते हैं 3 सवाल सरकार से। पहला, कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल कंपनी की पैरवी विदेशी सरकार को क्यों कर रहे हैं? इस बात का संज्ञान कौन लेगा? हम पूछना चाहते हैं कि कौन से मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स ईडी के ऊपर इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं करने का दबाव डालते हैं? हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या ईडी अडानी ग्रुप को बुला के पूछेगा कि आपको
7825 करोड़ रुपए की $1 बिलियन की फंडिंग का स्टेट बैंक एमओयू साइन करता है और उसको जब चारों तरफ से दबाव आता है तो उसको निरस्त किया जाता है। पुनः 5000 करोड़ का लोन देने का एक 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 एमओयू वापस बनाता है, फिर जब इन्वेस्टर्स विरोध करते हैं तो उसको वापस कैंसिल करता है। कौन लोग हैं वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए जो स्टेट बैंक पर दबाव डालते हैं बार बार कि अडानी ग्रुप को फंडिंग की जाए? क्या ईडी ये संज्ञान लेगा? हमारा तीसरा सवाल है कि क्या ईडी की विश्वसनीयता धूमिल नहीं होती है जब ईडी सिर्फ निराधार बिना तर्क के बिना सबूत के विपक्षी दलों के नेताओं को सुबह से शाम बुला के रात के 1:30 बजे तक 12:30 1:1 बजे तक पूछताछ करता है? क्या उनकी विश्वसनीयता इन केसेस जो मैंने आपके सामने रखे, दो तो बड़े केस और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स में जो करप्शन का खुलेआम नंगा नाच हो रहा है, क्या उसमें ईडी ने अभी तक कोई भी जाँच की? ये हमारे तीन प्रश्न है। दिस इज आवर क्वेश्चन। हमारा सवाल यह है कि वाई ईडी रिड्यूस टू टेकिंग एनफोर्स डायरेक्टिव्स फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट?